गुड इवनिंग. हाय श्रुति. हेलो अंशिका. हाय अनमोल. गुड इवनिंग बच्चा. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ फ्लावर पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आज ना तीन ही वर्ड्स करेंगे. अ फ्लावर यूजुअली हैज फोर वर्ड्स. वी विल बी डूइंग ओनली थ्री वर्ड्स टुडे. केलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम. ठीक है. और जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, सो दैट एक इनिशियल स्टेप समझ में आ जाए. नेक्स्ट क्लास में हम गाइनोशियम, फ्रूट, सीडी एक साथ ले लेंगे. ओके. सो हाय रशिता, हाउ आर यू? आई एम गुड. चलिए बच्चा, सो फॉर टुडे सेशन वी हैव टू कवर तीन वर्ड्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबडी. आई एम कोमल यादव एंड आई बी टेकिंग बॉटनी सेशंस ऑन नीट बोया चैनल ऑफ अन अकेडमी. ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की. लाइव सब्सक्रिप्शंस नॉर्मल जैसे आप यूट्यूब पे सेशंस लेते हो, वैसे ही अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी सब्सक्रिप्शंस हैं. नाउ दीज सब्सक्रिप्शन आर पेड सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि वन ऑन वन इंटरेक्शन, ज़्यादा टाइम मिलता है आपको टीचर के साथ. दूसरा, लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है. हम पढ़ने बैठे हैं, सब पढ़ाई करते हैं बस बिंदास. ठीक है, अलग अलग तरीके से. एंड लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, क्लास में क्वेश्चंस उनके ऊपर आप आंसर करोगे आपके स्पीड को और आपके राइट आंसर को चेक करके टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद. ठीक है, और फिर एक बारी जब आपको टॉपिक समझ आ गया, सारा डिस्कशन हो गया, अच्छे से सारी बात हो गई, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज और एनालिसिस. एनालिसिस में आता है बेटा टॉपर्स का स्कोर कितना, आपका कितना, जो एवरेज स्कोर है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, आपका कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है. उस पर फिर हम डाउट क्लियरिंग सेशंस रख लेते हैं, क्वेश्चनेज रख लेते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चन टाइम हो जाएगा, कुछ डाउट सॉल्विंग हो जाएगा, कुछ वैसे हम रिविजन सेशंस कर लेंगे. सो दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्सक्लूसिव टू प्लस प्लेटफॉर्म. ठीक है, बढ़िया. सो व्हेन यू गो इन टू द होल प्रोसेस कि आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. फिर आप जाओगे यूजी नीट पे, ये प्लस पे क्लिक करो. अगर ये देखना है कि सेशंस होते कैसे हैं, तो स्पेशल क्लास पे भी क्लिक कर सकते हो, एक आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल. ठीक है, एंड देन यू हैव यूजी नीट, एंड यूजी नीट के बाद गेट सब्सक्रिप्शन. राइट, आई एम ट्राइंग टू पुल के 13th के बाद से हो जाएगा बेटा, 13 तारीख के बाद से प्लस पे आ जाएंगे. ठीक है, बढ़िया. एंड देन फाइनली जो ड्यूरेशन आपको चूज करनी है, 12 मंथ का कोर्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे 2021 का नीट टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, और जो बच्चे 11th में हैं और 2022 का नीट टारगेट कर रहे हैं, दे कैन टेक अ कोर्स ऑफ 24 मंथ्स. ठीक है बेटा, नाउ कोमल लाइव इज द कोड दैट यू हैव टू अप्लाई टू गेट 10% ऑफ अपने फाइनल सब्सक्रिप्शन पे. ठीक है बेटा, समझ में आया? राहुल की मार्केटिंग तो मैंने की नहीं, वो वाला तरीका तो हुआ ही नहीं. चलिए, सो दिस इज योर नीट वॉयज लिंक ऑन टेलीग्राम ऐप, जिसपे स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब सेशंस, जितने भी सेशंस होंगे मेरे उनका अपडेट आ जाएगा. सो यू डोंट हैव टू रन इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस कि कहाँ हो रही है क्लास, कितने बजे है, किधर है, सब यहाँ पे अपडेट है. ठीक है, कल 2 बजे, सॉरी 2nd सितंबर, कल 10 o'clock वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर इन गेट सेट गो सीरीज. ओके, नाउ नेक्स्ट, आज का तो हो गया, कल टुमारो दैट इज अगेन 2nd सितंबर, आई विल बी टेकिंग अ स्पेशल क्लास विच इज एब्सोल्युटली फ्री. वो जो प्लस था ना उसके नीचे स्पेशल का ऑप्शन भी था, तो उस पर 4 बजे हमारी क्लास है बेटा. And the topic would be ecosystem part 2. ठीक है, अब अभी भी जाओगे आपको मिल जाएगी क्लास, जाओ क्लास करो उसको फॉलो. ठीक है, ओके, ऑल राइट. एक क्वेश्चन आया हुआ है कुणाल का, तुलसी लमेसी में थी और वो नीचे है. कुणाल क्या बोलना चाह रहा है बेटा? हेलो सुशीला,
एक बारी रीफ्रेम कर दो प्लीज अपना सेंटेंस, उसके बाद हम ऑल राइट पूछ लेना, कोई इशू नहीं है. ऑल राइट पीपल, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉर्फोलॉजी, हम कहाँ तक आ गए? हम फ्लावर पे आ गए. तो हमारे पास रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस हो चुका है. आज की क्लास में फ्लावर स्टार्ट कर रहे हैं. मॉर्फोलॉजी अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स. ठीक है, बढ़िया. हेलो अनुषा, हाय सुशीला. सो फ्लावर की बात करते हैं. ठीक है, पहली बात तो फ्लावर को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि केलेक्स और कोरोला में यूनिट कितने हैं. ठीक है, केलेक्स कोरोला में अगर यूनिट 3 के मल्टीपल्स में है, 3 के मल्टीपल्स में है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइमेरिस. क्या बोलते हैं? ट्राइमेरिस फ्लावर, ये वाला. ठीक है, दूसरा अगर 4 के मल्टीपल्स में है तो उसको बोलते हैं हम टेट्रामेरिस. ये वाला. ठीक है, एंड इफ इट हैज वर्ल्स इन यूनिट्स हर वर्ल्ड में, जैसे केलेक्स के अंदर सेपल, कोरोला के अंदर पेटल, 5 है तो पेंटामेरिस. ठीक है, पेंटामेरिस कहाँ मिलता है हमें? ट्राइमेरिस ज्यादातर मोनोकॉट्स में मिलता है. ठीक है, मोनोकॉट्स में मिलता है. एंड द एग्जांपल दैट वी हैव ऑफ दिस इज लिलिएसी फैमिली, पीछे दी हुई फैमिली लिलिएसी. ठीक है, यूजुअली केलेक्स कोरोला देखते हैं बेटा, ज्यादातर एंड्रोशियम उसके साथ अटैच होता है, तो उसका नंबर भी वैसे ही चलता है बट वैरी कर सकता है. ठीक है, राइट. अच्छा, अब इसके अंदर पेंटामेरिस, सॉरी टेट्रामेरिस में एग्जांपल इनमें भी लिख देती हूँ मैं दोनों के एग्जांपल्स. टेट्रामेरिस, ट्राइमेरिस में लिलिएसी, टेट्रा और पेंटा हमें डाइकोट्स में ज्यादा मिलते हैं, ब्रासिकेसी. ठीक है, एंड पेंटामेरिस वी हैव एग्जांपल ऑफ सोलनेसी. सोलनेसी भी हो गया, फैबेसी भी हो गया, आपका पी प्लांट वो भी 5 के मल्टीपल्स में आता है. ठीक है, सोलनेसी, फैबेसी, अभी तो ये दोनों याद रखो, धीरे धीरे और बता दूंगा. ठीक है, इवन योर अगर लिखना है तो लिख सकते हो चाइना रोज. चाइना रोज इज ऑल्सो देयर. हाँ जी, बढ़िया. अब आती है फ्लावर की सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर की, मैं फ्लावर को क्या दो इक्वल प्लेन्स में कट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, राइट. सो लेट्स ट्राई एंड डिवाइड दिस. आई कैन डिवाइड दिस इन अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बहुत सारे लाइंस में, है ना. एक ऐसा प्लेन जो सेंटर में से जा रहा है और प्लांट को, फ्लावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है. दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. क्या बोलते हैं इसको? रेडियल सिमेट्री. ये रेडियल सिमेट्री का जो टर्म हम यहां यूज करते हैं दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक. क्या बोला हमने इसे? एक्टिनोमॉर्फिक. सो वन पॉइंट दिस, सेकेंड पॉइंट दिस, तीसरा पॉइंट. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं सर्कल और उसके अंदर प्लस का साइन. पूरा एक्टिनोमॉर्फिक कौन लिखेगा? सर्कल बनाओ, गोला बनाया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया. ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल भरे पड़े हैं. चाइना रोज, ठीक है, सोलनेसी पूरी फैमिली, दैट इज ऑल्सो रेडियल इनसिमेट्री. दूसरा आता है ये वाला, इसको देखो. इसको मैं दो इक्वल हाउस में सिर्फ एक लाइन में कट कर सकती हूँ. There's only one plane in which I can cut it into two equal halves. इसलिए ये कहलाता है bilateral symmetry. Bilateral symmetry को आप बोलते हो zygomorphic. Zygomorphic. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल्स हैं हमारे पास. या तो हम प्लस ऐसे बना दें और वी कैन ऑल्सो यूज परसेंटेज साइन. ठीक है, हिमांशु.
इसमें एग्जाम्पल बहुत कैरेक्टरिस्टिक आपकी फैमिली आती है, दैट इज फैबेसी फैमिली, पूरी पी फैमिली, फैबेसी मटर वाली, ठीक। लास्ट एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक फ्लावर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। तो एस वाई लिख देते हैं खाली, और किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते आप, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल कैन, ठीक है, जैसे सफलाव है, सो ठीक है, राइट। नेक्स्ट 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 Now, flower on the basis of floral positions of various other whorls with respect to ovary. मतलब flower में बेटा तीन तरीके के whorls हो, चार whorls हैं, ठीक है। What whorls are there? A flower will have calyx, ठीक है, corolla, androecium and gynoecium. चार whorls हो गए, चारों के चारों वॉल प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, और फोर वॉल ज्यादा। लेकिन अगर कोई भी एक वॉल एब्सेंट हुआ, कोई भी एक वॉल एब्सेंट हुआ, तो वो कहलाएगा एक इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। कौन सा वॉल एब्सेंट हो सकता है? हो सकता है सिर्फ फीमेल फ्लावर है, हो सकता है सिर्फ मेल फ्लावर है, जिनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, वो कंडीशन आ सकती है। या केलेक्स और कोरोला साथ में फ्यूज भी हो सकता है, केलेक्स एंड कोरोला कुड बी फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ल्ड नोन एज पेरियंथ, ठीक है। अब पेरियंथ फिर से एक वर्ल्ड बन गया, केलेक्स कोरोला दोनों चिपक गए साथ, तो फिर इसमें चार नहीं है, तीन है, फिर इनकम्प्लीट हो गया। वो वर्ल्ड फ्लावर जिसमें चारों के चारों वर्ल्ड हो इज नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर, ठीक। अब ये सारे वर्ल्ड बाकी के गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में किधर है और कहां से ओरिजिनेट हो रहे, वेयर डू दे ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक। बढ़िया बात, अगर सारे के सारे बेस से आते हैं, देखो केलेक्स कोरोला एंड्रोशियम, सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, ओवरी के बेस से, मतलब ओवरी ने ले लिया पोजीशन सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें कैसी ओवरी हो गई, सुपीरियर, ठीक है। सो ओवरी इन द फर्स्ट वन इज सुपीरियर, क्योंकि सारे के सारे वर्ल्ड कहां से आए, उसके नीचे से, ठीक है। सारे वर्ल्ड नीचे से आ रहे हैं, इट इज हाइपो बिलो गाइनोशियम, गाइनस फ्लावर, पूरा का पूरा फ्लावर किधर से ओरिजिनेट हो रहा है, बिलो द गाइनोशियम, सो इट इज नोन एज हाइपोगाइनस। यस अनमोल, यस, ठीक। अब बीच वाला नहीं बता रही, मैं लास्ट वाला बता रही हूं। अगर इंफीरियर हुई ओवरी, तो इंफीरियर ओवरी मतलब सारे के सारे वर्ल्ड अब टॉप पे से आ रहे हैं, ध्यान से देखो, केलेक्स भी ओवरी के ऊपर बैठा है यहां पे, सी लुक एट केलेक्स, ओवरी इज इंफीरियर इन पोजिशन, सारे वर्ल्ड ओवरी के ऊपर से आ रहे हैं, एपिगाइनस, ठीक है। अब बाकी के वर्ल्ड्स या तो ओवरी के साथ या उसके रिम पे प्रेजेंट हो रहे, मतलब उसके पेरिफेरी में, ना ऊपर ही है ना नीचे ही है, रिंग में है। सो दिस इज ऑलमोस्ट, यहां से ओरिजिनेशन होता है इसका, ये वाला इधर भी इधर से आ रहा है। सो दीज टू आर पेरिगाइनस, पेरिफेरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, या हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हो, बोथ यू कैन से, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल,
सुंदर सुंदर एग्जाम्पल याद करेंगे जरा। पहली बात, हाइपोगाइनस में पीछे दी हुई सारी फैमिलीज आ रही है, ठीक है? कौन सी पीछे दी है? ब्रासिकेसी, फिर फैबेसी, पी फैमिली, एनसीआरटी में, थर्ड सोलनेसी, फोर्थ लिलिएसी, और इसके साथ साथ आपकी चाइना रोज वाली फैमिली। चाइना रोज की फैमिली है बेटा मैलवेसी। ठीक है, मैलवेसी, बढ़िया, सीधे फैमिली याद, एग्जाम्पल अपने आप धीरे धीरे याद होंगे हमारे को। ठीक है, अगला पॉइंट, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर में क्या होगा? इन जो आपकी ये है, बड़े सुंदर सुंदर सारी चीजें हैं, पीच, प्लम, रोज, है ना, सुंदर सुंदर सब चीजें है ना। एंड देन दिस इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी में हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे क्यूकरबिट्स, गुआवा। अब आप बोलो मैम इतने सारे नाम कैसे याद करें? एप्पल, एप्पल के साथ पैर तो आएगा ही आएगा, मैम इतने सारे एग्जाम्पल कैसे याद करें? कुछ के फ्रूट देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने टोमेटो देखा है ना, टमाटर लगा हुआ, ब्रिंजल, चिली, इसमें आपने देखा है जो डंडी आती है, ये देखो ये डंडी आई, यहाँ पे ऐसे केलेक्स, कोरूला, एंड्रोश, ये था केलेक्स है, और नीचे की तरफ ऐसे आपका चिली लग गया। इसका मतलब केलेक्स सबसे नीचे था ना, ये देखो केलेक्स के ऊपर ओवरी है, तभी तो वो फ्रूट बनी। गुआवा में याद है? गुआवा में ऐसा लगा होता है, गुआवा ऐसे गोला, और यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ऐसे निकलते हैं अंदर से, है ना, पूरी ओवरी है, ऊपर छोटे छोटे केलेक्स और उसके अंदर एंड्रोशियम घुसा हुआ है, गुजर गुजर। कभी कभी आपको फ्रूट देखकर समझ में आ जाएगा कि ओवरी इंफीरियर है कि सुपीरियर है, नहीं आएगा तो सारे जो पीछे फैमिलीज दिए हैं सारे हाइपोगाइनस है, ये तो याद रखो एट फर्स्ट गो। फिर सुंदर सुंदर चीजें पीच, प्लम, रोज एंड पेरीगाइनस, एंड देन ये हमारे सब कच्चा खा जाने वाले इन्हें भी। ठीक है, आगे केलिक्स। केलिक्स इज द फर्स्ट वर्ल्ड, मैंने फिर से गड़बड़ तो नहीं कर दिया इसको, हाँ एकदम ठीक। केलिक्स इज द फर्स्ट वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड सबसे पहले है, ग्रीन कलर का होता है, सो मोस्टली ग्रीन, एंड हेंस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है ना। और काम क्या है? प्रोटेक्शन टू बड, जब फ्लावर बड की स्टेज में होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, बढ़िया। अब फ्यूज्ड सेपल्स क्या होगा? केलिक्स इज द होल वर्ल्ड, ठीक है बेटा, यूनिट्स ऑफ केलिक्स किसका बना हुआ है? ये पूरा का पूरा वर्ल्ड सेपल का, ठीक है, सेपल का बना है, सेपल का वर्ल्ड बना हुआ है, द होल सेपल, इफ दीज सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर, साथ में चिपके हुए, जैसे देखो इसमें ट्यूब सी बनी होती है चिपक के, फ्यूजन, गेमी, गेमो सेपलस, ठीक है। इस यूनिट को, इस वर्ल्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगी के से। तो इमेजिन करो कि एक प्लांट है आपके पास, उसमें फ्लावर पांच यूनिट्स हैं, उसके पास पांच सेपल्स हैं, ठीक है, के लिखा फॉर केलेक्स, फाइव लिखा टू शो दैट देयर आर फाइव सेपल्स इन दैट वर्ल्ड, और क्योंकि ये फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट, फ्यूजन शो करने के लिए ब्रैकेट, ठीक। पॉलीसेपलस के एंड फाइव, अगर पांच है तो, हर बार नहीं, राइट, यस हजीरा, गुड।
सो दिस इज K5। अब परसिस्टेंट के लेक्स ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन, क्योंकि एक्सेप्शंस के नाम पर परसिस्टेंट केलेक्स सोलनेसी। आप देखो टमाटर पे भी ऊपर केलेक्स लगा होता है, ब्रिंजल, चिली, है ना, सबके ऊपर देर इज अटैचमेंट ऑफ केलेक्स। फ्रूट बनने के बावजूद केलेक्स का ही नहीं गया, केलेक्स वही है ना। ये सोलनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। पेपरी केलेक्स एस्टरेसी में पैपस, पैपस बोलते हैं इसको। ये देखो ये वाला पेपरी केलेक्स इस पर क्या काम करेगा, सीड के ऊपर लगा रहता है, फिर जहां सीड जाएगा उसको ले जाएगा हवा में, डिस्पोजल ऑफ सीड में हेल्प करेगा, ठीक है। दैट इज दतूरा बच्चा, नॉट ओपियम, ओपियम इज डिफरेंट, सोलनेसी फैमिली मेंबर है, वाइटिश। अनमोल गेमोसेपुलस में वैरी, हम ना गेमोसेपुलस पॉलीसेपुलस इतना क्लियरली नहीं बोल पाते क्योंकि वो स्पीशीज टू स्पीशीज भी वैरी कर जाता है, ओके, नॉट नेसेसरीली हम सबके लिए लगा पाए, लेकिन हाँ जनरल उसमें लिख देते हैं, फैमिली के उसमें लिख देते हैं। एपिकेलिक्स क्या होता है, चाइना रोज में मालवेसी फैमिली में केलिक्स के नीचे एक और वर्ल होता है, अगर मान लो ये केलिक्स है, ये ऐसे उसकी डंडी जा रही है, तो यहाँ पे पतला पतला और एक वर्ल होगा एपिकेलिक्स, ठीक है। अगली बार जब चाइना रोज देखो ना तो देखना उसके अंदर होगा, पेज पलटो कुणाल एनसीईआरटी में सारे सोलनेसी फैमिली मेंबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, सारे तो नहीं बट बहुत सारे मिल जाएंगे। कोरोला, कोरोला का फंक्शन क्या है, अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर, ये फ्रेग्रेंट हो सकता है, ये ब्राइटली कलर्ड हो सकता है ना, तो इसका मेन काम क्या है, अट्रैक्ट करना पॉलिनेटर को, यही मेरे को लग रहा था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं करेक्ट कर देती हूँ, आपको भी करेक्ट मिल जाएगा। लिव डन, ठीक है। अच्छा फ्यूज्ड पेटल्स टुगेदर, अगर सारे साथ में फ्यूज्ड हैं तो क्या कहलाएंगे, गेमोपेटल्स, ठीक है। दिस विल बी नोन एज, फ्री होंगे तो पॉली, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द सेकेंड वर्ल, यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स, and is represented by C. तो अगर fused हुए तो C 5 within a bracket, अगर fused नहीं हुए तो C and just 5, simple, जैसे ये वाला और ये वाला, this is petunia, ऊपर वाला जो है वो petunia, नीचे वाला तो पता ही आपको China rose, hibiscus, ठीक है, राइट। यहाँ पे एक्सीलेंट। अब देखो एक चीज यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा नोट पॉइंट बता देती हूँ कि क्या हो जाता है कभी कभार कुछ मोनोकॉट फैमिलीज, है ना, मोनोकॉट्स में हम ज्यादातर देखते हैं ये चीज कि केलेक्स कोरोला अलग अलग बनाने की जगह केलेक्स और कोरोला को फ्यूज करा दिया गया है, तो ये बनता है पेरियंथ, यूनिट बनती है पेरियंथ, पूरे सॉरी वर्ल्ड बनता है पेरियंथ, पेरियंथ की यूनिट होगी टेपल्स, दे आर आल्सो वेरी लार्ज ब्राइटली कलर्ड फॉर अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर, ठीक है। तो अब मान लो फिर वही चीज हो गई, अगर सारे के सारे टेपल्स फ्री हैं तो पॉली टेपल्स, है ना, और फ्यूज है तो गेमो, ठीक। तो ये भी यही आ गया, राइट, दिस इज अ नोट यू कैन रिमेम्बर फॉर मोनोकॉट्स, गुड, यूनिट्स आर कॉल्ड टेपल्स। अब
अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्ड, एक ही वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, केलेक्स की बात करेंगे या कुरुला की बात करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं, अपने आप ही. सो एस्टिमेशन इज अरेंजमेंट ऑफ कुरुला और यू कैन से सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू पेटल्स या टेपल्स विद रिस्पेक्ट टू टेपल्स, सेम वर्ल्ड में अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज एस्टिमेशन. ठीक है, अब देखो ये पहला, ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन आपको ड्रॉ करके दे दिया ताकि आपको दिखता रहे. ठीक, आई विल कीप ऑन ड्रॉइंग एंड एक्सप्लेनिंग टू यू कौन सा वैसा एस्टिमेशन होता है. द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज कैलोट्रोपिस. आप ध्यान से देखो, ये लिख रहे हैं ऊपर, एक दो तीन चार पांच, ऑल द सेपल्स पेटल्स आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर या फ्यूज्ड, या तो बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर या फ्यूज्ड, राइट. दिस इज नोन एज अ वाल्वेट एस्टिमेशन. एग्जाम्पल ये है आपका कैलोट्रोपिस, जो मैं इतने दिन से बोल रही थी ना, देख लो एक बार, देख लो. दिस इज कैलोट्रोपिस. ठीक है, अगला, सेकेंड, ट्विस्टेड एस्टिमेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टोर्ड. हाँ, कॉन्टोर्ड में क्या होगा कि एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर, तो ध्यान से देखना, एक, ठीक है, अगला वाला ऐसे, ये वाला ऐसे. अब ध्यान से देखो, एक इनसाइड, ये आउटसाइड आएगा, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ आया मार्जिन, ये बाहर की तरफ मार्जिन, अंदर आएगा. ठीक है, ट्विस्टेड और कॉन्टोर्ड किस में दिख रहा है? चाइना रोज. सो वन इन वन आउट, हर एक का मार्जिन, एक अंदर एक बाहर. ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा आएगा? हाँ, इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट सीन इन गुलमोहर. गुलमोहर का साइंटिफिक नेम डेलोनिक्स. ठीक है, अब यहां देखना, वन इन वन आउट एंड थ्री टेपल्स और थ्री पेटल्स इन एंड आउट. कैसे? एक पूरा का पूरा कंप्लीटली इन है, दोनों मार्जिन अंदर आते हैं उसके. ठीक है, ये बाहर और ये अंदर, ये कंप्लीटली बाहर, अंदर बाहर, ये. कैन यू सी दिस इज कंप्लीटली इन, दोनों मार्जिन अंदर की तरफ हैं इस वाले पेटल के, इस वाले पेटल के दोनों मार्जिन बाहर है. ठीक है, और इसके एक मार्जिन बाहर, ये वाला अंदर साइड, दिस इज द आउटर साइड, इनर साइड, आउटर, इनर साइड, आउटर साइड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू सी इन गुलमोहर. अगला, इसको हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोलते हैं. क्योंकि सबसे पहला पेटल जो है ये वाला, ये सबसे अंदर है, तो अंदर से चीज बाहर की तरफ आ रही है. ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे आ रही है, एसेंडिंग. ये आया क्विंटेंशियल,
क्विंटेंशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन हमारे पास मिलती है इन रैनुनक्यूलस. और यहां पर देखो क्या होगा, टू पेटल्स इन, टू कंप्लीटली आउट, एंड वन इज पार्शली इन एंड पार्शली आउट. ठीक है, ध्यान से, एक कंप्लीटली इन एक कंप्लीटली आउट बनेगा. अजीब ही हो गया कुछ, रुको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा बनाते हैं. लास्ट ट्राई. ऐसे ये वाला इधर चला जाएगा एंड देन दिस, पहला वाला ही सही था. हाँ, तो दोनों मार्जिन अंदर तो दो पेटल ऐसे जिनके दोनों मार्जिन अंदर, इसके दोनों मार्जिन बाहर. है ना, क्वीन कंशल दैट इज रैनुनक्यूलेसी फैमिली इज रैनुनक्यूलेसी. ठीक है, नेक्स्ट वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेक्सिलरी या इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या पैपिलनेशियस और बटरफ्लाई शेप्ड. सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड यही है. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. इसमें क्या होगा, एक लार्ज कवरिंग बनती है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड और वैक्सीन. कौन सी वाली, ये दिख रहा है पीछे, ये वाला, दिस वन. सो दिस इज एट द पोस्टीरियर एंड, पीछे की तरफ है. ओके, दिस इज पोस्टीरियर. फिर दो फ्री विंग्स बनेंगे ऐसे और ये, दिस इज नोन एज विंग्स. और नीचे दो फ्यूज्ड पेटल्स साथ में, इनको हम बोलते हैं कील और कैरिना. वैसे हम एस्टिवेशन ना सिंबल के फॉर्म में नहीं लिखते, पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, लेकिन इसको लिख पाते हैं. ध्यान से देखना, कोरोला में मिलता है ज्यादातर, केलेक्स में नहीं मिलता. तो सी, एक लार्ज स्टैंडर्ड तो वन प्लस दो विंग्स है फ्री है तो टू, लास्ट वाले जो दो है वो आपस में फ्यूज्ड है, सो टू विद इन अ ब्रैकेट. राइट, गुड सुशीला, राइट. दिस इज योर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्सीलेंट कुणाल, एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सीन इन फैबेसी फैमिली, kind of a characteristic feature of Fabaceae family. Good Kunal, ठीक है, excellent Anmol, good Shruti. Descending imbricate क्यों बोला आप, देख रहे हो बड़े से छोटे 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 आता जा रहा है, तो बड़ा petal से धीरे 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 अंदर की तरफ आ रहा है. NCERT में तो imbricate को बोला है कि कोई अगर proper orientation ना हो या कोई अगर proper bending ना हो तो उसको imbricate बोल देते हैं. हमने थोड़ा और बढ़ा दिया है कि नहीं, हजीरा बच्चे. वैसे भी एनाटॉमी ही आएगा इस चैप्टर के बाद, तो कर देंगे स्टार्ट, आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, यस अनमोल, यू कैन से सो बच्चा, पक्का, राइट. ओके, नाउ वी कमिंग टू द थर्ड वर्ल्ड. The third world
and Roshan. Symbol A. Units stay. अब इस स्टेमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर से दोबारा मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। एंथर प्रॉक्सिमल एंड है या डिस्टल एंड है? प्रॉक्सिमल एंड है या डिस्टल एंड है? नो प्रॉब्लम हजीरा बच्चा। प्रॉक्सिमल या डिस्टल? गुड, एक्सेलेंट। डिस्टल दूर है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दूर, डीपर, दूर डीपर डिस्टल। तो ये एंड हो गया प्रॉक्सिमल। एक्सेलेंट ज्योति, गुड हर्षिता, गुड कुणाल, क्या बात है, सबको याद है यार। अब टिपिकल फिलामेंट का काम क्या है? एंथर को जोड़ के रखना ताकि यहां से कंडक्शन होता रहे प्रॉपर। एंथर क्या है? एंथर इज द साइट जहां पोलन बनता है। तो अगर किसी भी एंथर को आप काट के देखोगे तो अंदर चार ऐसी कैविटीज मिलती हैं जहां स्पोर बनता है, या आप कह सकते हैं पोलन बनता है, क्योंकि ऐसी चार कैविटीज हैं। और एक कैविटी को मैं बोलती हूं माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है? तो चार को मिला के हम एंथर के लिए बोलते हैं कि चार माइक्रोस्पोरेंजियम है अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा स्पोरेंजियम। ये तो इंटरनल बात हुई, बाहर से देखोगे तो कोई भी एंथर ऐसा लगता है जैसे दो लोब्स चिपके हुए हैं साथ में, सो इट इज बाइलोब्ड। दो लोब साथ में है, आपने कट किया तो हर लोब के अंदर दो है। देखो टोटल तो चार है कैविटी इंटरनली, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास एक, ये एक लोब है ना, दिस इज द सेकेंड लोब। ईच लोब हैज टू कैविटीज, दिस इज नोन एज डाइथिकस। बाइलोब्ड टेट्रास्पोरांजियड विद ईच लोब हैविंग टू कैविटीज called as dithecus. Badhiya, excellent. Now, iski length ke hisab se, kiski length? Filament ki length ke hisab se, humne androecium ko do part mein divide kiya. Ek condition banti hai beta, tetra dynamis. Aur dusri condition banti hai, di dynamis. ठीक है, अब टेट्राडाइनमस में क्या होता है? ये हमारा ओवरी, ठीक है, इसमें ये चार लॉन्ग स्टेमन इसके दोनों तरफ, दो इधर दो इधर, एक सिंगल छोटा छोटा इधर, ठीक है। तो एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, फोर लॉन्ग एंड टू स्मॉल। बता देते हैं क्या जा रहा है, छह लिखने से अच्छा बता देते हैं ना, चार बड़े स्टेमन है दो छोटे स्टेमन। दिस इज नोन एज टेट्राडाइनमस कंडीशन, इट इज वेरी मच सीन इन ब्रैसिकेसी फैमिली। इनफैक्ट जो ये आपको फ्लावर दिख रहा है ना, ये भी मस्टर्ड का फ्लावर, ठीक है, ये आपकी ब्रैसिकेसी फैमिली का मेंबर, ब्रैसिकेसी मस्टर्ड फैमिली। डाई डायनेमिक्स कंडीशन रेयरली मिल जाती है ब्रासिकेसी में, लेकिन हमने इसको ज्यादातर देखा है इन साल्विया। रिमेंबर साल्विया इज नॉट साल्विनिया, साल्विनिया इज टेरिडोफाइट, साल्विया इज एन एंजियोस्पर्म एंड ऑसिमम तुलसी। ऑसिमम क्या है? तुलसी। फैमिली क्या दोनों की? लामिएसी। कैसा दिखता है ये? गाइनोशियम, ठीक है, दो छोटे स्टेमन इंटरनली, दो लॉन्ग बाहर की तरफ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंड्रोशियम टू प्लस टू, राइट, टू प्लस टू, खत्म। समझ में आई ये बात यहां तक? क्विकली लाइक, इसी बात पे लाइक।
बढ़िया, ये हुई बात। ओके, अब एंथर को हम एंथर में सॉरी स्टेमन को स्टेमन में ही फ्यूज करा दे तो ठीक है। सो बेसिकली स्टेमन फ्यूज्ड विद स्टेमन नोन एज कोहेजन होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स शो कोहेजन, वही कहानी ठीक है। तो इसमें चार कंडीशंस बनते हैं। चार कंडीशंस में पहली कंडीशन में देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ज्यादा मस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए एक बारी, ये कोशिश करते हैं थोड़ा इसको अलग से देखने की। तीनों में हमने ये कहा, चारों कंडीशन में, कि एंथर और फिलामेंट पार्ट होते हैं ठीक है स्टेमन के, आपस में फ्यूज्ड है तो इन्हीं का कोई पार्ट फ्यूज्ड होगा ऑब्वियसली राइट। अब एडेल्फिस कंडीशन में एंथर होते हैं फ्री, जैसे आप एक बंच ऑफ रोजेस पकड़ लो, डंडियां पकड़ ली ना आपने, ऊपर तो फ्री है, ऐसे ही आपने सारे स्टेमन डंडी से पकड़ लिए और ऊपर सब फ्री है, तो एंथर इज फ्री लेकिन फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। ये कौन सी कंडीशन हुई, एडेल्फिस। इसके टाइप्स पे आते हैं सिंजनिशेस, एंथर इज फ्यूज्ड फिलामेंट इज फ्री ठीक। सिनैंड्रस, एंथर भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट भी फ्यूज्ड है, सब चिपक गया। पॉलीएंड्रस, मल्टीपल एंड्रोशियम है, मल्टीपल एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स, दिस इज बोथ ऑफ देम आर फ्री। ये सबसे कॉमन है, ये हमें बहुत फ्लावर्स में दिख जाता है, दैट इज बोथ स्टेमन भी फ्री, पूरा फ्री, फ्यूज्ड ही नहीं, एक तरीके से कोहेजन की कैटेगरी में ही नहीं आता क्योंकि फ्यूज तो हुआ नहीं। दिस इज एडेल्फिस कंडीशन। ध्यान से देखो, एंथर सबके फ्री है, ये ना ऐसे ट्यूब बना लेता है स्टेमन, ये सारे आके स्टेमन 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 ऐसे ट्यूब बना लेते हैं, दिस इज नोन एज मोनो एडेल्फिस। एक ग्रुप में एक गुच्छा है मेरे पास, एग्जाम्पल चाइना रोज। दूसरा डाई एडल्फिस, डाई एडल्फिस क्या हुआ, दो बंच में है, दो गुच्छे, तो एक तो ये बन गया, ये देखो पूरा, ये नौ एक साथ फ्यूज हो जाते हैं नीचे। अब आप बोलोगे मैम फिलामेंट फ्री दिख तो रहा है, नीचे से फ्यूज है, चिपका हुआ, ये फ्री ठीक है। सो डाई एडल्फिस कंडीशन इज सीन इन फैबेसी अगेन, और इसको भी रिप्रेजेंट देखो कितना आराम से कर सकते हो आप, ध्यान से खुद सोच के देखना। एंड्रोशियम लिखा मैंने, नौ एक साथ है एक अकेला है, तो नाइन को साथ में फ्यूज करो और प्लस वन लिख दो, समझ में आए। ब्रिंजल इसमें नहीं आएगा बेटा, ब्रिंजल इस सोलेनेसी फैमिली, उस पे आ रहे हम। लास्ट वाला देखो कंडीशन, पॉलीएंड्रस, पॉली एडेल्फिस, मल्टीपल बंचेस है, ये देखो एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ग्रुप यहाँ है, चौथा इधर है, सो कैन यू सी मल्टीपल बंचेस, दिस इज सीन इन सिट्रस। सिट्रस समझ में आया सुशीला, ब्रिंजल नहीं है बच्चा, नहीं है, किसने बोला ब्रिंजल, आप लोग ये एक दूसरे को बोल के कंफ्यूज हो जा रहे हो, नो। अब ये है सिंजनेशियस कंडीशन, देखा फिलामेंट कैसे नीचे फ्री है और अंतर यहां, ये किस में दिखता है हमको, सिंजनेशियस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्टरेसी। एस्टरेसी कौन सी फैमिली है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, डेजी, डहलिया ठीक है। पॉली ये सिनैंड्रस, ये देखो ऊपर एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड और नीचे ये रहे फिलामेंट भी फ्यूज्ड, क्यूकरपिट्स
ये तो आपने बहुत सारे में देखा ही होगा, पॉलीएंड्रस कंडीशन, इवन इन रोज एंड अदर प्लांट्स आपको ये आराम से मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं इधर एडिशन, स्टेमन विद अदर वर्ल्स, कोई भी वर्ल हो, कितने तो वर्ल हैं, गिनती के चार, उसमें से एक तो एक खुद ही होता है, उसके साथ हम एसोसिएशन देख चुके हैं कोहेजन में, बचा बचा ये एपिसेफलिस। एपिसेफलिस में केलेक्स और एंड्रोशियम आर्क ऊपर आएगा इस बार फ्यूजन, जब दो अलग वर्ल्ड्स में हम फ्यूजन शो करते हैं तो आर्क आता है, जब सेम वर्ल्ड में करते हैं शो तो ब्रैकेट आता है नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल वर्बीना, एपिपेटलस ये वाला, कोरोला और एंड्रोशियम, इसमें आर्क, यहां आएगा आपका सोलनेसी, लो खा लो बैंगन, लो दिस इज सोलनेसी। ठीक है, सो सोलनेसी में कौन आ गया, सोलनेसी में ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, चिली सब आ गए, टोबैको, यस यस शिवम, पहले एनसीईआरटी के डायग्राम आपके एग्जाम्पल से ना, अब एपिफाइलस, ये तब होगा जब मेरे पास पेरियांथ है, मतलब केलेक्स कोरोला फ्यूज होके एक वॉल बना चुका है पेरियांथ का एंड्रोशियम, और इस पे आर्क लगा दू। अब इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, सारे प्लांट्स देखे होंगे ऐसे, लिली है ना, यहां पे ध्यान से देखो, कोई अलग सेपल नहीं दिख रहा, कोई सेपल अलग नहीं दिख रहा है ना, दिस इज सीन एन एग्जाम्पल लिली लिली ऐसे। फिर आता है गाइनेंड्रस कंडीशन, अब मैं एंड्रोशियम को पहले लिखूंगी, गाइनोशियम को बाद में, और उसके ऊपर आर्क, क्योंकि क्या हो गया नेट को, हाय शुभम, अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाय शुभम। इसमें आएगा कैलोट्रोपिस, ये हमारा क्लासिक एग्जांपल कैलोट्रोपिस। इसमें कैसे होता है, ये मेरी स्टिग्मा की डिस्क, ऊपर स्टिग्मा है ठीक है ऐसे, और नीचे एंड्रोशियम इसके नीचे अटैच हो जाता है यहां ऐसे बैग्स में, दिस इज एंड्रोशियम, दिस इज गाइनोशियम, सो दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, और सबसे मस्त बात एक और बात बताती हूँ, ये गाइनेंड्रस कंडीशन में ना अंदर एक पोलन सैक है पूरा, ठीक है, इसमें ना पोलन अलग अलग नहीं होते, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं ऐसे, तो इंसेक्ट आता है मस्त उड़ता हुआ, उसके पैर में ये फंस जाता है हुक बैग जैसा, तो ये पूरा का पूरा पोलन का बैग उठ के चला जाता है पॉलिनेटर के साथ, इस बैग ऑफ पोलन को हम बोलते हैं पोलिनियम। ये बैग ऑफ पोलन क्या कहलाता है, पोलिनियम, तो जो इंसेक्ट आया उसके पैर पे फंस जाता है ये, जैसे ये इंसेक्ट था, इसका पैर था ऐसा 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 ऐसे, ये एंटीना यहां फंस गया, ये यहां फंस गया ऐसे, आइए ले गया अपने साथ, जब दोबारा विजिट करेगा स्टिग्मा पे आके बैठेगा पॉलिनेशन हो जाएगा। So, pollinium is the bag of pollen. Pollinium is bag of pollen taken from a gynandrous adhesion. और ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहां दिख रहा है ना आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, बीच में आपको दिख रहा है ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैन यू सी दिस होल स्ट्रक्चर, ये कहलाता है गाइनो स्टीजियम। ठीक है, नहीं नहीं
कैन इंक्रीज भाई, मैं ड्रॉ तो उतना ही करूंगी ना, बट अगर चार होते ना तो मैं बोल देती कुणाल, जब मैंने यहाँ चार बनाए तो मैंने बताया ना आपको 4 log 2 short, अगर नंबर स्पेसिफिक होगा तो मैं नंबर आपको स्पेसिफाई कर दूंगी, ठीक है? एक्सीलेंट, किसका हृदय परिवर्तन हो गया? किसी ने डिसलाइक किया हो तो बेचारा बच्चा डायल था, लाइक कर गया, थैंक यू। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप, मैं अब इस पे क्विजेस कराने लगूंगी, यू विल नीड दिस ऐप प्रायरली, ठीक है? तो हम यूट्यूब पे भी जो क्विजेस करेंगे वो इधर से कर लेंगे, सो मेक श्योर यू हैव द ऐप विद यू, ओके? प्लस पे जाओ, प्लस से यूजी नीट पे, यूजी नीट से गेट सब्सक्रिप्शन, एंड वहां पर 12 month का कोर्स और 11 24 month का कोर्स है, 12 month वाला 12th class, या जो भी बच्चे 2021 नीट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, और 11th class के लिए 24 months का कोर्स है जो बच्चे 2022 का नीट टारगेट करेंगे, ठीक है? सो यू कैन, यू हैव टू अप्लाई कोमल लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शन, और मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मिड सितंबर। अरे बिल्कुल, तो थोड़ी मेहनत तो तुम भी कर लो यार, ये कोई बात होती है अनमोल? ये कोई बात है बेटा, ये क्या बात हुई? नाम करवा दो, मैं व्हाट इज द स्पेशल आया नीट। अभी तो मैं इकोलॉजी करा रही हूँ बेटा स्पेशल क्लास में, ठीक है? जब मैं आई विल स्टार्ट विद इट, 11th class का कोई टॉपिक आई लेट हूँ, ओके? ऑलराइट, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई गेट द पीडीएफ अपडेटेड एज वेल। कल का टॉपिक फॉर 2020 स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन 2nd of September, गेट सेट गो एट 10 AM। मस्त क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है? तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा ऑफ 2nd September, वी हैव अ टॉपिक एट 4 o'clock। 4 o'clock हमारा टॉपिक है कल का, इकोसिस्टम पार्ट 2। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिस इज योर कोड कोमल लाइव टू गेट 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शंस। हाँ एक्चुअली श्रुति इज राइट, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखो बेटा, मैंने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं तो कवर कर ही दिया होगा कोई ना कोई टॉपिक, बिकॉज आई वॉन्टेड कि 2020 से पहले जो बच्चे हैं उन सबको कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, बस इकोलॉजी के एक दो रह गए, वो भी मैं नीट से पहले पहले करा दूंगी, ठीक है? बढ़िया। अरे तरुण बच्चा लेट हो गया, हैप्पी बर्थडे। 19th, अच्छा 19th इज माय बर्थडे, ओके 19th को आपका बर्थडे है, सितंबर, नाइस 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 नाइस। चलो सी यू टुमारो, टुमारो एट 10 अगेन। तो कल का टाइमिंग भी बता दूं, कल हम मिल रहे हैं 10 बजे। 1 बजे हम करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2020 के लिए दोनों क्लासेस, ओके? 4 to 5 वी हैव इकोसिस्टम अगेन वहां पे स्पेशल क्लास में, और 6 से 7 में डिसऑर्डर्स करा रही हूँ मैं। तो हमने वैसे तो पढ़ लिया था, बट इफ यू वांट टू रिवाइज जेनेटिक्स इसके बेसिस पे जीन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वी विल डू देम टुमारो, ठीक है? चलिए बच्चा, हाँ जी टीचर्स डे भी आ रहा है, चलो बाय, टेक केयर, टाटा 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 टाटा, बाय।